आज के इस वीडियो में हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करना एवं वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इस प्रोसेस के लिए आप अपने डेस्कटॉप पे क्रोम या फिर कोई और ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप सर्च बार में कोविन सर्च करिए। कोविन सर्च करते ही आपको kovin.government.in करके एक वेबसाइट मिलेगा, जिसे आप ओपन कर लीजिए। इस वेबसाइट में आपको राइट हैंड पे सबसे ऊपर register/sign-in-yourself का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको ओपन करना है। जिसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, उसके बाद आप गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करिए, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करते ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर मेंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे आप रजिस्टर करने से पहले अवश्य पढ़ें। इसके बाद आप रजिस्टर मेंबर के ऑप्शन पर जाएं। वहां पर आपको क्लिक करते ही एक इंटरफेस मिलेगा, जहां पे वो आपसे आपका फ़ोटो ID प्रूफ पूछेगा। इसमें आप वह ID प्रूफ डाल दीजिए जो आप अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर कैरी कर सकते हैं। ID चूज़ करने के बाद में आपको ID का नंबर डालना पड़ेगा। ID नंबर के बाद आपको मेंबर का नाम, जेंडर, बर्थ ऑफ ईयर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको शेड्यूल पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर शेड्यूल नाउ पर क्लिक करें। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपके ज़िले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर चुनने के बाद आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करके इमेज डालना पड़ेगा। इमेज डालने के बाद आपको कन्फर्म का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। वहीं कन्फर्म करने से पहले आपको अपना टाइम स्लॉट चुनना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद आप अपने अपॉइंटमेंट डिटेल्स को नोट कर सकते हैं और अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर विजिट करके सफलतापूर्वक टीकाकरण करवा सकते हैं। वहीं आप चाहें तो और भी लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, परंतु एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ 4 लोग ही रजिस्टर हो सकते हैं।